नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ गरिमा और खबरों के विस्तार में जाएंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत का विशेष अभियान। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ करने का रखा है लक्ष्य। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, पूरा देश कर रहा है नमन। अपनी ईमानदारी और विशेष व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते थे शास्त्री। कानपुर देहात में सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को मारी गोली। डॉक्टरों ने सिपाही नरेश को किया मृत घोषित। मानसिक तनाव के चलते खुद को गोली मारने की आशंका। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश विदेश में मनाई जा रही है और इस मौके पर देश के हर राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रपिता गांधी जी या फिर बापू भी कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद, माँ का नाम पुतलीबाई था और सिर्फ 13 साल की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का अहम योगदान है। इस कठिन संघर्ष में उन्होंने कई आंदोलन किए और अहिंसा का पथ पर चलते हुए स्वतंत्रता का मूल मंत्र दिया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू को पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे आउटपुट हेड राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, पूछना चाहूंगी कि आज पूरा देश एक बार फिर से बापू को याद कर रहा है। हालांकि जब तक ये देश रहेगा तब तक बापू को हमेशा याद किया जाएगा। आज 150वीं जयंती है उनकी, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज जो बापू की जयंती है उसको लेके आप जो वर्तमान सरकार है उसने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया था, आपको मालूम है, अभियान चलाया 2014 में शुरुआत की थी भारत को स्वच्छ बनाने का। और निश्चित तौर पे उसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है। और आज सुबह से जिस तरह से कार्यक्रम नहीं हुए, सरकार ने, मोदी ने खुद श्रद्धांजलि दी बापू को, उसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी। यूपी की अगर बात करें तो लखनऊ में भी कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया उसके लिए भी काफी काम किया गया इन पिछले 4 सालों में। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2019 के लिए कि 2019 में जब बापू की जयंती होगी तब तक ये कार्य पूरा किया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो 4 साल हुए उसमें काफी कुछ काम हुआ जो पहले कभी सफाई को लेकर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दूसरी ओर जरूर कांग्रेस जो है पार्टी वो भी बापू के लिए कर रही है। उसने कहा कि हम बापू की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल, हर नेता, हर जो भारत का बाती है बापू को अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा है। सरकार की अगर बात करते हैं तो स्वच्छता को लेकर उन्होंने जो मिशन लिया था वो एक श्रद्धांजलि ही है देश के लिए और पूरे बापू के लिए श्रद्धांजलि है। क्योंकि जो सफाई की बात है, अगर स्वच्छ है भारत तो काफी लोग प्रगति करेंगे, बीमारियां नहीं रहेंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार का जो लक्ष्य है 2019 तक है उसमें भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। जी राजीव, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो स्वच्छता का जो मोदी जी ने एक अलख जगाई है वो कहीं ना कहीं 2019 तक जरूर हमें देखने को मिलेगी, उसका असर हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन राजीव, पूछना चाहूंगी कि बापू ने इस देश को कई सारे उपदेश दिए हैं, कई सारी प्रेरणादायक बातें कही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग को कहीं ना कहीं उन चीजों की या आज का जो वर्ग है उनको महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की ओर भागते भागते कहीं ना कहीं जो प्रेरणादायक बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं उनसे बड़ा हट गए हैं। तो क्या लगता है कि आज की पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल गरिमा, देखिए उनका बापू का, जब बापू ने यहाँ से पढ़ाई करी
भारत में भी और बाहर फिर विदेश में पढ़ाई करने गए, बैरिस्टर बने, लेकिन उनके साथ जिस तरह से चीजें हुई पेश आई, अफ्रीका की बात करें तो वहां पे उनको एक ट्रेन से उतार दिया गया था वो काले होने की वजह से, बहुत सारे उन्होंने अत्याचार भी सहे, समाज के रंगवेद की जो राजनीति होती है उस पर भी काफी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा भारत में भी अंग्रेजों का जो शासन था उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए उन्होंने लगातार कई सारे प्रयास किए, लेकिन सारे जो उनके प्रयास रहे चाहे वो यहाँ भारत की धरती पे हो या विदेशी धरती पे हो, उन्होंने जो भी काम किए एकदम अहिंसा को अपनाते हुए किए, मतलब कोई हिंसा नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आंदोलन उन्होंने चलाया उसमें सफलता उनको जरूर मिली है, और जो दूसरे जिनके खिलाफ वो आंदोलन चलाए गए उनको पीछे हटना पड़ा। तो निश्चित तौर पर आज का जो युवा है, आज का जो समाज है, उसको उनके पचिन्हों पे चलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अभी रिसेंटली कुछ घटनाएं हुई हैं यूपी में, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। देख के कह सकते हैं कि इतना तैस में आ जाते हैं युवा की बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, अगर बापू की बताए रास्ते पे चलें तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं बिल्कुल अपने आप ही सॉल्व हो सकते हैं। हमें उनसे धैर्य और अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने बताया था वो जरूर उसे फॉलो करना चाहिए। राजीव, ये तो बात हुई महात्मा गांधी जी की, अब पूछना चाहूंगी कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जी का भी जन्म दिवस है, तो उनके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने भी बहुत, उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे खास बात थी जिसके लिए वो पूरे देश में जाने जाते हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है गरिमा, आज दो महापुरुषों का जन्म जयंती है। सबसे बड़ी बात है लाल बहादुर शास्त्री को लोग याद नहीं करते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, या फिर कहें कि उतना ज्यादा महत्व तो नहीं हो पाता, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपना महत्व तो है पूरे देश में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मिसाल कायम की थी। आपको याद होगा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब अपने उनका शासन चल रहा था तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों के खर्चे कम कर दिए थे, कार का खर्चा, इवन उन्होंने अपना खाना भी कई बार छोड़ा है कि खर्चे बचाए जाएं, जो हाई स्तर का मतलब प्रधानमंत्री स्तर के जो भोजन होते हैं उनको भी अवॉइड किया। तो निश्चित तौर पे ईमानदारी के लिए उनकी छवि मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस केवल यही है कि ताशकंद में जो उनकी मौत हुई थी उसके जो रहस्य हैं वो आज तक पूरे भारत के लोगों के सामने नहीं आ पाए, किस तरह से उनकी मौत हुई थी। अचानक वो हमारे विजिट पे गए थे ताशकंद की, और वहां उनको रात में कुछ दिक्कत हुई, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर पूरा देश जानना चाहेगा कि क्या हुआ था उनके साथ। जी राजीव, पूरा देश आज इन दोनों ही महापुरुषों को याद कर रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव थे, जेएमडी न्यूज के आउटपुट हेड। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज की पीढ़ी को बापू के आदेशों को मानना चाहिए, बापू के उपदेशों को, उनके चले हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, वो अहिंसा का मार्ग हमें सिखला कर गए हैं। पर आज की पीढ़ी की बात की जाए तो शायद हम ये सब कुछ भूल गए हैं। आज के दौर को देखते हुए, अपराध की संख्या को बढ़ता हुआ देखते हुए, हम ये नहीं कह सकते कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलकर शायद बहुत कुछ जीता जा सकता है, और यही सब कुछ सिखाया था हमें महात्मा गांधी ने। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हुमा आलम भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हुमा, पूछना चाहूंगी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है, क्या कहेंगी आप? आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश भी नहीं विदेशों में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अगर देश की बात की जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जी, और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, पूछना चाहूंगी हुमा के कानपुर के अगर माहौल की बात की जाए तो ये जो आज का दिन है, जयंती है बापू की 150वीं, ये स्कूलों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे बापू किन रास्ते पर चले, उन्हीं रास्तों पर आगे आने वाली पीढ़ी भी चल सके और देश अच्छा बन सके, इसके लिए स्कूलों में बड़े खास इंतजाम किए जाते हैं, तो वहाँ का क्या कुछ माहौल आपने देखा? इस बार 150वीं जयंती है तो जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर खास तौर पर गांधी जी पर लगातार निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता की जा रही है, और जो इतिहासकार हैं, इतिहास के शिक्षक हैं, उनका ये कहना है कि जो गांधी जी के विचार हैं, जो वर्तमान की जो पीढ़ी है वो उनसे काफी हद तक पीछे जा रही है, उनसे अनभिज्ञ है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, और उनके विचारों को सामने लाने के लिए, ताकि जो गांधी जी के विचार थे सत्य अहिंसा पर, जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखी और हमेशा अहिंसा और सत्य की बात की, उसको उन विचारों को रूबरू कराना छात्राओं से, छात्रों से, विद्यार्थियों से और आज की युवा पीढ़ी से, उसके लिए लगातार प्रतियोगिताएं कराई गई हैं विद्यालयों में,
और कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए तो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लगातार श्रद्धांजलि दी गई है, साथ ही रैलियां निकाली गई हैं और आज भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जी शुक्रिया हुमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हुमा आलम थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज स्कूलों में और कॉलेजों में बापू के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। आज गांधी जयंती है, पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज पूरा देश दो महापुरुषों को याद कर रहा है। 2 अक्टूबर को गुजरात में महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वो अपने देश और देशवासियों के सम्मान और रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जो कि उनके व्यक्तित्व को महान बनाता है। आपको बता दें कि इसी के चलते उन्होंने देश को मुसीबत से निकालने के लिए भोजन करना भी छोड़ दिया था और साथ ही वेतन लेने से भी मना कर दिया था। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों को महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान रहस्यमय तरीके से हो गई। कानपुर नगर निगम की तरफ से चली 111 घंटे सफाई की मुहिम का आज भव्य समापन हो गया और इस मौके पर नगर निगम में सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू की फोटो पर माल्यार्पण भी किया गया और साथ ही छात्राओं द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उन स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया जो 111 घंटे की कड़ी मुहिम में भाग लिया था और साथ ही इंडिया बुक की टीम भी मौजूद रही और जिसकी तरफ से पूरे 111 घंटे की रिकॉर्डिंग निरीक्षण भी किया गया, जिसके बाद जांच कर नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा। घंटे का अभियान चला है, स्वच्छता ही सेवा है के अंतर्गत हम लोगों ने चलाया, जो 27 तारीख को भैरव मंदिर भैरव घाट से शुरू होकर अनवरत ये चलता रहा है और आज ये मोती झील पे समाप्त हुआ है। और इस दौरान लगभग सैकड़ों किलोमीटर हम लोगों ने सड़कें गलियां और ये सब इसमें साफ किया है और निरंतर 111 घंटे का आज ये अभियान समाप्त हुआ है। इसका भव्य समापन आपने देखा कि नगर निगम के इस कैंपस में हम लोगों ने किया है और अभी सभी का सम्मान समारोह यहाँ पे चल रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की भी टीम आई हुई है, उनके द्वारा भी पूरा परीक्षण किया गया है और ये अपने आप में पूरे देश के का एक मिसाल है, देश की मिसाल है और अपने आप में ये विश्व में भी एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें कि 111 घंटे मैराथन क्लीनिंग, लगातार सफाई, लगातार स्वच्छता हम लोगों ने किया है और इसमें मात्र झाड़ू लगाना ही नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रक कूड़े उठवाए गए हैं और इसके साथ ही साथ जो भी हमारे डिवाइडर्स और ग्रीन बेल्ट थे उनमें भी हम लोगों ने पेड़ों को भी सुसज्जित किया है। जो खराब जगह थी, जो गंदी जगहें थी, वह उसको ब्यूटिफिकेशन का भी प्रयास किया है और ये अभियान और ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। सर आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जन्मदिन है और हमने यहाँ पर बुलंदशहर से आए हैं। मैं सर बुलंदशहर का स्वच्छ भारत अभियान ब्रांड एम्बेसडर हूँ सर और यहाँ पर हमने 111 घंटे लगातार स्वच्छ भारत अभियान कर जनता को जागरूक करने का प्रयत्न किया। सर इसमें मुहिम ये रहा कि हमने 30 जने थे हमारी टीम में, 10 की 3 ग्रुप थे जिनका टाइम के अनुसार बांटा गया था। हमने इसमें सड़कें भी नाली भी साफ करी हैं और पब्लिक को जागरूक करा है, कृपया कूड़ा अब डस्टबिन में गिरें और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहना बहुत आसान है लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा। और जो हम लोग ने 111 घंटे का कार्यक्रम चालू किया था 27 तारीख को, आज 2 अक्टूबर को 8 बजे उसका नगर निगम मोती झील प्रांगण में समापन हो रहा है और सब लोगों ने बड़ी मेहनत और बड़े लगन से काम किया है। ये उत्तर प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में 111 घंटे का पहला रिकॉर्ड जो है कानपुर नगर निगम द्वारा बनाया गया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जेएमडी न्यूज। We'll be right back.
न्यूट्रेला सोया चंक, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। न्यूट्रेला, हेल्दी रहना सिंपल है। मेरा पूरी शहर वासियों से अपील है कि प्लास्टिक पर अगर बैंड है तो उसका प्रयोग न करें, वो हमारे साथ मिलकर के स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आरंभ होने जा रहा है, अतः नगर निगम कानपुर के सहभागी बनकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। कूड़ा गाड़ियों को सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग दें। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग कतई न करें। तो आइए नगर निगम कानपुर के साथ महानगर कानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोत्तम स्थान दिलाएं। सम्मानित महानगर वासियों, आप सभी से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसका काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, आप स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को आगे लाएं। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अधिक से अधिक शिकायत करें, शिकायत निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही साथ सभी अच्छी गतिविधियों को स्वच्छ मंच पे आप उसको पोस्ट करें और अपने शहर से पॉलीथीन को दूर भगाएं, पर्यावरण के अनुकूल शहर को बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी, ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बांदा सदर SDM ने महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान अस्पताल में गंदगी पाई गई है, साथ ही मरीजों को दिए जाने वाला खाना भी ठीक नहीं पाया गया। वहीं कई मरीज SDM के सामने ही डॉक्टरों द्वारा इलाज के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाने लगी, जिस पर SDM ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे प्रकरण में CMS को कार्यवाही के लिए बोला गया है। बांदा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कर एक बड़ी असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने बिसंडा थाना क्षेत्र के पलहरी गांव के एक मकान में छापा मारा। पुलिस ने मौके से एक युवक सहित 315 बोर के 19 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे व कुछ अर्धनिर्मित असलहों सहित भारी मात्रा में असलाह बनाने का सामान बरामद किया है, जबकि एक व्यक्ति मौके से पुलिस को चकमा कर फरार हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक LBK पाल ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी देवपाल निषाद है, जो कि पहले भी एक बार पुलिस के पकड़ में आते आते भाग गया था। थाना बबीरू को जनपद बांदा
से 19 अदद तमंचा 315 बोर और 3 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद तमंचा अधबना 315 बोर, कुल 23 अदद तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण तथा तमंचा फैक्ट्री को चलाते हुए ग्राम बढ़ई का पुरवा मजरा पलहरी थाना बिसंडा से समय करीब 18:20 बजे गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक इनका अन्य साथी था राकेश कुमार विश्वकर्मा जगमोहन निवासी ग्राम बढ़ई का पुरवा जिसके घर से ये बरामदगी हुई है। ये मजरा पलहरी ये मौके से भाग गया पिछले दरवाजे से। देवपाल पुत्र पड़ेरी लंबी समय से जगह बदल बदल कर क्योंकि वहाँ जंगल का एरिया है तमंचे की फैक्ट्री चलाता रहा। कानपुर के कलेक्ट्रेट में कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड के प्रकरण पर सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और मृतक आश्रितों को 5 करोड़ रुपए देने, नौकरी देने व सीबीआई एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोबारा भविष्य में ऐसी घटना न हो पाए इसके लिए भी मांग की गई है। कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विवेक तिवारी हत्याकांड जो लखनऊ में हुआ है उसके विरोध में हमारी कांग्रेस पार्टी एवं सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संयोजन में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित ज्ञापन है, उन्हीं को संबोधित की ज्ञापन है और उस ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि जो ये कानपुर में ट्रेनों में लूट और चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देने वाले 10,000 के नामी दो शातर बदमाशों को जीआरपी जवानों ने आउटर पर घेराबंदी करके धर दबोच लिया। पकड़े गए शातरों के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नगद रुपए बरामद हुए हैं। फतेहपुर में रहने वाला कैलाश चौहान और चकेरी क्षेत्र में रहने वाले कल्लू गुप्ता काफी समय से ट्रेनों में यात्रियों के साथ जहर खुराने की घटनाओं को अंजाम देते आए हैं। कैलाश चौहान के खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग 30 मामले भी दर्ज हैं। वहीं कल्लू पर भी आधा दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। दोनों कई मामलों में वांछित भी थे। इन दोनों पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था जिनको जीआरपी जवानों ने घेराबंदी करके आज तड़के गिरफ्तार किया है। रेलवे के साथी अपराधी हैं एक कैलाश चौहान और एक कल्लू गुप्ता। इन दोनों के पूर्व में कैलाश चौहान पर करीब 30 मुकदमे पूर्व के हैं और इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। इन दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। चेकिंग के दौरान हरीशगंज आउटर पर जो है इन दोनों गिरफ्तार किया गया। ये साथी ट्रेन चोर आदि लुटेरे हैं और इनके पास से जो है चोरी के 2 मोबाइल, 1 चेन, 3 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी झुमका, 4,000 रुपये और 270 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के भाभानगर इलाके में एक महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया और महिला के सिर पर वार करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल में ये बातें सामने आई हैं कि महिला की उसी के बेटे ने हत्या की है। बहन का एक दिन से फोन नहीं मिलने पर जब भाई घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर के अंदर बहन भगवती का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। महिला का शव घर में पाए जाने की जानकारी पर इलाके में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी चकेरी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर SPCT राजकुमार अग्रवाल के साथ ही फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। पूछताछ के दौरान ये जानकारी हुई कि महिला भगवती अपने छोटे बेटे नवीन के साथ रहती थी जबकि बड़ा बेटा BSF में तैनात है और नवीन के बारे में ये जानकारी हुई कि वो नशे की हालत में आए दिन माँ के साथ झगड़ा किया करता था। घटना के बाद परिजनों ने जब नवीन को फोन मिलाया तो पहले उसका फोन बंद जा रहा था। काफी देर बाद फोन खुला भी लेकिन नवीन ने फोन रिसीव नहीं किया जिसके चलते अधिकारियों को शक है कि महिला की हत्या उसी के बेटे ने की है जिसकी तलाश की जा रही है। उसके सामने आने पर ही कई और बातों का भी खुलासा हो सकेगा। भगवती पांडे
अपने घर में अपने बेटे एक बेटे के साथ रहती हैं। इनके दो बेटे एक दिल्ली में और एक रुद्रपुर में नौकरी करता है। मृतका के भाई के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बहन घर में अकेली है और उन्होंने अपने कुछ परिचित लोगों के साथ में घर का दरवाज़ा तोड़ के देखा है, उसमें उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर इसको वेरीफाई कराया गया, FSL की टीम भेजी गई है। प्राइमा फेसी जो लगता है कि उनको किसी प्रकार की चोट लगी है जिसके कारण ये मृत्यु उनकी हुई है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज, आमजन की आवाज। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार।